हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रैबिट लव्स में आपका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमें अपने रैबिट्स को कौन कौन से बिस्कुट खिलाने चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमें अपने रैबिट्स को बिस्किट डेली बेसिस पे नहीं खिलाने चाहिए। फ्रेंड्स, हमें अपने रैबिट्स को सिर्फ डाइजेस्टिव बिस्किट ही खिलाना चाहिए, वो भी हफ्ते में एक बार आप खिला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम इसको पाले जी और भी जो सनफीस ग्लूकोज और बेकरी वाले बिस्किट आते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज और सॉल्ट होता है। सो फ्रेंड्स, जो कि रैबिट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता। सो फ्रेंड्स, हमें अपने रैबिट्स को ये जो आप बिस्किट देख रहे हैं किसी भी कंपनी का, आप डाइजेस्टिव बिस्किट हफ्ते में एक बार ही खिलाएं। अगर आपका रैबिट्स बीमार है और सुस्त है और उसको कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपने रैबिट्स को ये बिस्किट नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने रैबिट्स को बिस्किट खिलाना चाहते हैं सो फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप ये पॉपअप में देख रहे हैं, आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही तरह के ग्रास बिस्किट और कई तरह के सीड से बने हुए बिस्किट मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।